बनाओ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों से। बिलावर के एम हुंडई और एस्ट्रो महिंद्रा एंड महिंद्रा आउटलेट में ओनर पंकज गुप्ता से बात की। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि ये सुविधा बिलावर के अंदर शुरू होने से बिलावर बसोली बनी के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि लोगों को ये गाड़ियां खरीदने के लिए या तो पंजाब पठानकोट में जाना पड़ता था या जम्मू में जाना पड़ता था। अब ये सब सुविधा बिलावर में मौजूद है और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि अब उनकी समस्याओं का समाधान उनको बिलावर में ही मिल गया है, क्योंकि आप इन दो कंपनियों की कोई भी गाड़ी किसी को खरीदनी है तो वो बिलावर के शोरूम में आकर गाड़ी खरीद सकता है। कैमरामैन चेतन के साथ बिलावर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जेके खबर नाव वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें हमारी हुंडई को हमारे महिंद्रा को छुट्टी दी है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैक्सिमम डिलीवरीज थी हमारी कार की, नियर अबाउट आज कोई 14 कार आज हमने डिलीवर की हैं हुंडई की और महिंद्रा की दोनों की मिला के। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बिलावर के लोगों को ये फैसिलिटी, सेल्स की फैसिलिटी अभी स्टार्ट हो चुकी है हुंडई की प्लस महिंद्रा की। महिंद्रा में दो सेगमेंट्स हमारे पास हैं, पर्सनल जिसमें स्कॉर्पियो ब्लेरो TUV XUVs लग्जरियस कार हैं उसमें, और सेकंड सेगमेंट है कमर्शियल ऑटो महिंद्रा लोड कैरियर छोटे ऑटोज। किसी बेरोजगार को काम करने के लिए भी अगर कोई साधन नहीं है तो वो ऑटो ले सकता है। ऑटो के लिए भी हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है, महिंद्रा की तरफ से भी है, जेके बैंक्स है, स्टेट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ग्रामीण बैंक है, सारे जितने भी तमाम बैंक हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने भी पर्सनल सेगमेंट्स में हैं, लग्जरियस सेगमेंट्स हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगली बात हुंडई, हमारे पास हुंडई के सारे सेगमेंट्स अवेलेबल है, i20 है, ION है, क्रेटा हमारी सबसे ज़्यादा बिक्री है। और बिलावर की बात करूँ तो i20 का कोई भी जवाब नहीं है अभी तक, हमने 25 सेगमेंट्स 25 गाड़ी i20 ही हमने सेल कर दी है बिलावर में, जिसमें आज ही 5 थी। और जब मर्जी आप हुंडई के लिए महिंद्रा के लिए हमें कॉल करें, हमारी टीम सेल टीम मार्केट में रहती है, बैंक्स में भी आप हमारे साथ टाइप कर सकते हैं। जब मर्जी चाहें कभी भी कॉल, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासी जिला कार्यालय की BDO सभागार में रियासी म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को रियासी जिला विकास आयुक्त डॉक्टर सागर दत्तात्रेय डैफोड ने शपथ दिलाई। इसके बाद चेयरमैन रियासी सुदेश पुरी ने रियासी कमेटी के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात भी कही और कहा कि हमें स्थायी कर्मचारियों को वेतन रियासी कमेटी के रेवेन्यू में से निकालना होता है। वहीं जिला विकास आयुक्त ने कमेटी चलाने को लेकर कहा कि जिस तरह से कमेटी के स्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है कमेटी को चलाना, लेकिन फिर भी प्रशासन हमेशा पारदर्शी और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ चलेंगे। आपको बता दें कि रियासी और कटरा कमेटी में भाजपा के चेयरमैन चुने गए हैं। रियासी से रोमेश कुमार राहुल की रिपोर्ट। एक बड़ा सड़क हादसा तब पेश आया जब एक बस डोडा से जम्मू जा रही थी। कार और बस की टक्कर इतनी तेज थी कि कार ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ। असल में इस एक्सीडेंट की वजह लगातार बारिश है, जिससे बस और कार में टक्कर हुई। सिटीजन रिपोर्टर रविंदर गौरा की रिपोर्ट। SMVDCONGB की इंटरेस्ट कॉलेज नर्सिंग फास्ट ट्रेनिंग 2019 के लिए किए गए अरेंजमेंट को लेकर बैठक हुई। आपको बता दें कि 29 और 30 मार्च को तरंग 2019 का आयोजन होने वाला है, जिसमें अलग अलग राज्यों से 400 विद्यार्थियों के भाग लेने की उम्मीद है। कंगन में लोगों को ड्रेनेज सिस्टम के अव्यवस्था होने से बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंगन से इरफान बेस की रिपोर्ट।
पुंछ के डीडीसी राहुल यादव की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बैठक हुई, जिसमें इस मुहिम की कामयाबी के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए। चाइल्ड रेशियो है वो उसको इम्प्रूव करना है, और इसके अलावा जो जो बेटियां हैं बच्चियां हैं उनको भी उसी तर्ज पर हमने जो है एनकरेज करना है जिस तर्ज पर हम जो है अपने बेटों को करते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में एक प्रेडोमिनेंटली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। सो हमने उस प्रैक्टिस को ख़त्म करना है और ये इंश्योर करना है कि बच्चियों को और बच्चों को दोनों को बराबर मौका मिले। डिस्ट्रिक्ट डोडा के बेलीसाब कॉलर में शाम के 5 बजे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 8 अफराद सवार थे। जेके खबरनाओं को लोगों ने दी जानकारी के मुताबिक 8 पैसेंजर सवार थे जो बाल बाल बच गए। ठाठरी से अर्षद अयूब भट्ट की रिपोर्ट। एहसास फाउंडेशन का एक डिप्टेशन आज न्यूली एसएसपी पुंछ जनाब रमेश अंग्रेज साहब से मिला। फाउंडेशन के चेयरमैन परवेज मलिक अफरीदी ने यूथ और स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात करते हुए कहा कि पुंछ में ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहिए, और साथ में पुंछ में एहसास फाउंडेशन की जानिब से एक स्पोर्ट्स मेला भी लगाने की बात की। पुंछ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। एहसास फाउंडेशन की तरफ से जो है एसएसपी पुंछ जो है नए यहाँ पर अपॉइंट हुए, उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उनसे हमने बात की कि यहाँ पर जो ड्रग्स के मामले में जो यूथ इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स इवेंट करवाए जाए ताकि यूथ जो है स्पोर्ट्स की तरफ माइल रहे, वो स्पोर्ट्स में खेलते रहे ताकि वो इन बुरी आदतों से बच जाए। फिलहाल जेके खबर नाउ टॉप न्यूज में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेके खबर नाउ। आप हमारा फेसबुक पेज जेके खबर नाउ के लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम और फोटो के साथ हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।